हिसाब से शेयर करूँ कि आप अपने पिंपल्स को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं और अपने चेहरे को बना सकते हैं बेदाग और निखार। पिंपल्स होने के कई कारण होते हैं, वैसे तो जेनेटिक भी हो सकता है, हार्ड वर्क और चेंजेस की वजह से हो सकता है, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट होता है ऑयली स्किन पर पिंपल्स होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको अवॉइड करनी है, आपको मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना, बिल्कुल भी मीन्स बिल्कुल नहीं खाना, मीठा खाना बिल्कुल बंद करना। अगर आप मीठा खाना बंद नहीं करेंगे तो आपके पिंपल्स पर कंट्रोल नहीं हो सकता, कुछ भी आप यूज करिए आपके पिंपल्स पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं होगा। तो उसके लिए स्ट्रिक्टली अवॉइड है आपको मीठा नहीं खाना और आपको ऑयली और फ्राइड चीज़ें नहीं खानी। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, आपको लॉन्ग टाइम तक हेयर्स में ऑयल लगाकर नहीं रहना। अगर आपकी स्किन ड्राई है और आपको लगाना ज़रूरी है तभी आप अपने हेयर में ऑयल लगाए, ऑयल लगा के दो घंटे लगा के रखिए और उसके बाद हेड को वॉश कर दीजिए। लॉन्ग टाइम तक आपको ऑयल लगाकर नहीं रहना। वैसे तो बॉयज में देखा जाता है गर्ल्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा पिंपल्स होते हैं, तो इसलिए इस जेवर को कोई भी यूज कर सकता है, बॉयज हो या गर्ल। तो बढ़ते वीडियो की तरफ। मैंने अपनी रेमेडी बनाने के लिए आज यूज किया नीम की पत्तियों का। अगर आपके पास नीम की पत्तियां नहीं है तो आप तुलसी लीफ भी ले सकते हैं। इसको मैंने क्रश करके इस तरह से पेस्ट बना लिया है। इसमें मैं डालूंगी हल्दी पाउडर, इस तरह से हाफ टी स्पून आप हल्दी पाउडर ले, और ये मेरा है चंदन पाउडर, थोड़ा सा आप चंदन पाउडर ले और इसको मिक्स करके अच्छा सा थिक पेस्ट बना लें। आप पेस्ट बनाकर रेडी कर दिया है। उससे पहले जो नीम की पत्तियां बची थी उसको इस तरह से मैंने क्रश करके इसमें मग में डाल दिया और आधा घंटा मैंने इसको इसी तरह से छोड़ दिया। अगर आप चाहें तो नीम की पत्तियों को पानी में उबाल भी सकते हैं और इस तरह से मैंने स्प्रे बॉटल में इसको डाल लिया। जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं या घर पर भी हैं तो हर एक घंटे के बाद इस स्प्रे बॉटल में जो पानी भरा आपने इसको इस तरह से इस तरह से स्प्रे करने के बाद अपना टिश्यू पेपर लेकर के या कॉटन लेकर के इस तरह से वाइप अप कर ले अपने फेस को इस तरह से। और जो पेस्ट मैंने बनाया था आप इसको अपने पास रखें और हर एक घंटे के अंदर अपने फेस को इस तरह से क्लीन करते जाएं नीम के पानी से। नीम के पानी को बनाकर या तो आप कच्चा क्रश कर लें, उसको स्ट्रेन कर लें आधा घंटा उसी तरह छोड़कर, या फिर नीम लीफ को क्रश करने के बाद बॉईल करें, क्योंकि उससे उसका जितना भी एक्सेस जूस जो उसके अंदर होगा वो सब अच्छे से निकल के आएगा। और उसको बॉईल कर लें और फिर आप ठंडा करके उसको यूज करें। ये मैंने जो पेस्ट बनाया था आपके जहां जहां पर पिंपल्स हैं उसको इस तरह से आप लगाकर और इस तरह से लगाकर और इसको आप ओवरनाइट एज इट इज छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप इसको साथ साथ वॉश कर लेंगे तो इतना अच्छे से रिजल्ट नहीं आएगा। इसको आप ओवरनाइट नाइट में लगा के सो जाइए और एज इट इज देखिए, मॉर्निंग में उठ के देखेंगे तो आपका पिंपल्स आपको दबा हुआ नजर आएगा। इसको कंटिन्यूसली यूज करेंगे जो पिंपल्स के स्टेन जो दाग जो रहते हैं वो भी धीरे धीरे इससे रिमूव हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज शेयर जरूर करें मेरी वीडियोस को। थैंक यू।